भयंकर आगाज, 13 की मौत। हिमाचल प्रदेश में मानसून आए हुए अभी तीसरा ही दिन बीता है कि प्रदेश भर से 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये बहुत चिंताजनक है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ इस कदर संवेदनशील है कि कच्ची पहाड़ियों से गुजरती सड़कें कभी भी भयंकर रूप ले लेती हैं। यहाँ आने वाले सैलानी कभी कभार इस जोखिम से अनजान होते हैं और यहाँ आकर बुरी तरह फंस जाते हैं। ऐसे में लोक निर्माण विभाग में बरसात की संवेदनशीलता को देखते हुए अपने तमाम स्टाफ की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। इसी तरह तमाम मशीनरी को भी तैयार कर लिया है ताकि आने वाले खतरों से समय रहते निपटा जाए। क्या हो गया ऐसा कि कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करनी पड़ गई है, हिमाचल में चर्चा कर लेंगे। ओंकार जी, मौसम की तरफ इशारा है अगर आपके शेयर को मैं समझूं। आज ये देखिए, हिमाचल अरसे से इंतजार कर रहा था कि बारिश कब होती है। कल मानसून आ गया, पिछले कल, आज दूसरा दिन था। दूसरा दिन ऐसा कि बादल टूट के बरस रहे हैं पिछले कल से ही। पहले तो ये बताइए, आपकी क्या जानकारी है बारिश को लेके, फिलहाल सिर्फ बारिश को? बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले झुलसा देने वाली गर्मी थी और अब बारिश जो है वो कहर बनकर टूटने लगी है। सही है। मौसम विभाग की अनिल जी माने तो मानसून का अभी शायद दूसरा ही दिन है जे जे। और प्रदेश भर के जो नदियां और नाले हैं वो बिल्कुल उफान पे हैं, खेत भर गए होंगे, खेत बारिश के हैं, और ये सिलसिला जो है आने वाले 3-4 दिन भी लगातार जारी रहने के आशंका है। अच्छा, ये जो पहला फेज है, आशंका बोल लीजिए आप, उम्मीद भी बोल लीजिए, है ना जी, दोनों ही चीजें। आशंका आपने क्यों कहा, हम आगे कार्यक्रम में चर्चा कर लेंगे, उम्मीद ही क्यों नहीं कहा आपने। ओंकार जी, बारिश तो ठीक है लेकिन शुरुआत का आपने जैसे बताया दूसरा ही दिन है, और कल भी हमने आपको कहा था एक दुर्घटना हुई थी, दो बच्चों की जान चली गई थी, आज भी कुछ अछूता नहीं रहा। आज भगवान की दया से इतना जरूर है ओंकार जी कि किसी की जान पे नहीं बनी है, लेकिन माल का तो नुकसान बहुत हुआ। बात चंबा की कर लेते हैं। चंबा शहर के बिल्कुल नज़दीक कुछ ऐसा आलम हुआ कि लोगों को घरों से भागकर जान बचानी पड़ी है, क्या मामला है ओंकार जी? जी बिल्कुल अनिल जी, दो दिन की बरसात के नतीजे जैसे कि मैंने कहा कि सामने आने लगा है। चंबा की बात करें तो यहाँ एक बड़ा ही जानलेवा हादसा जो है वो हुआ है। यहाँ जमीन धंसी है और चंबा का जो सलोनी और सुंडला मार्ग है तो वहाँ जमीन धंस गई है, भूस्खलन हुआ है और एक कार थी वहाँ पे, तो वो कार जो है वो बिल्कुल हवा में लटक गई और उसमें जो सवार लोग थे उनको बिल्कुल अपनी भाग के जो है जान बचानी पड़ी है। जी जी। तो एक इससे बड़ा हादसा हो सकता था जी। तो ये इसमें बच गए हैं। और जी इसके अतिरिक्त ओंकार जी मैं दर्शकों को बता दूं कि चंबा के बिल्कुल साथ, शहर के साथ ही लगता हुआ 10-12-15 किलोमीटर आप रखिए, सरोन एरिया है। यहाँ पे ओंकार जी बारिश, अति वृष्टि जिसको बोलते हैं वो हुई है, थोड़े से एरिया बहुत ज़्यादा बारिश हुई। नतीजतन क्या हुआ जी, मलबा आता है पानी के साथ, बहुत सारा पानी, बहुत सारा मलबा लोगों के खेतों में घुस जाता है, घरों में घुस जाता है, गाड़ियों को दबा देता है, काफ़ी सारा नुकसान होता है। और 10-15-20 घर बताए जा रहे हैं ओंकार जी ये सरोन के पास जो है, गांव के लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा सुरक्षित एरिया की तरफ। शुक्र की बात है कि सुबह होने वाली थी, सुबह सुबह का वक्त है था ये, और जैसे आपने ये और कहा, ये भी सुंडला, ये भी चंबा की ही बात है, हम और भी जिक्र आएगा चंबा का क्योंकि बारिश वहाँ आज ज़्यादा हुई है। बिलासपुर और हमीरपुर ये जो लोअर एरियाज हैं हिमाचल के, यहाँ भी ओंकार जी ठीक बारिश हुई, हमने चंबा की बात तो कर ली। जी बिल्कुल, बिलासपुर में भी धुआंधार बारिश जो है वो हो रही है और बीती रात एक बड़ा हादसा वहाँ हुआ है। यहाँ अनिल जी बहुत तेज बारिश हो रही थी और पंचपीरी नाम का एक जगह है तो वहाँ एक ट्रक जो है वो राख लेके जा रहा था, तो हाँ जी ऐश जो फ्लाई ऐश होता है उसको लेके जा रहा था, तो जब ये वहाँ थोड़ा सा इसको लगा कि मैंने ट्रक को साइड में करना है या थोड़ा बैक करना है, तो ड्राइवर ने जैसे ही ये बैक किया तो वो जमीन बिल्कुल एकदम से बैठ गई और नीचे जो एक मकान बना था, पक्का मकान था, तो उस पे जाके गिर गई है। गनीमत ये है कि इसमें किसी की जो है जान नहीं, नुकसान, जानी नुकसान नहीं हुआ, पर ये बहुत बड़ा ये हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा है। देखिए इससे ये पता लग रहा है ओंकार जी, जैसे आपने बात की, पहले आपने चंबा की बात की जहाँ पे एक गाड़ी थी, कार थी, उसके नीचे से डंगा बैठ जाता है, और गनीमत ये रहती है कि दो टायर तो है ना जी, एक तरफ के दोनों ही टायर हवा में लटक जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ भी बैलेंस बना रहता है, लोग बाहर निकल के आ जाते हैं, कार भी टंगी रहती है। फोटोज हमारे पास, हम आपको दिखा रहे हैं सारी तबाही के आज। ओंकार जी चलिए चंबा की बात भी, सड़कों की बात अगर कर ले, चंबा का तो हमने जिक्र कर ही दिया, आपने बता दिया कि सलोनी रोड पर जो हुआ है, चंबा सलोनी रोड पर, बड़ा सेंसिटिव एरिया है ये वैसे,
इसके अतिरिक्त भी कई संवेदनशील हैं एरियाज बने हुए ओंकार जी, सड़कों की खासकर बात करें, कई जगह से रुकावटों की खबरें हैं। अच्छा जी जी बिल्कुल अनिल जी, दर्जनों सड़कें जो हैं आज जो हमारे पास समाचार है, दर्जनों सड़कें जो हैं ब्लॉक हुई पड़ी हैं बरसात के दिनों में। चंबा जिले के कई क्षेत्र जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, भूस्खलन यहाँ बहुत इसका जोखिम रहता है। जी जी। और इसी तरह आज बात करें तो भरमौर पठानकोट मार्ग बंद हो गया है, कुल्लू की कई सड़कें बंद हो गई हैं, पांवटा साहिब और सिरमौर की कई सड़कें जो हैं बंद हैं। तो इस तरह ये आने वाले एक दो दिन में और भी जो है बड़ी भयंकर बारिश का जो चेतावनी दी गई है, तो इससे हमें बचकर रहना चाहिए। ये बड़ी बात है, बचकर रहना चाहिए। देखिए जी, स्थिति की गंभीरता उकार जिस चीज से समझी जा सकती है, ये बड़ा देखिए अभी मानसून का आगमन हुआ, दूसरा दिन है, लेकिन पीडब्ल्यूडी सबसे ज्यादा नुकसान एक तो पीडब्ल्यूडी के होता है हिमाचल में जब भी मानसून आता है, और उसके अतिरिक्त सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी डिपार्टमेंट की एक ही हो जाती है तो वो पीडब्ल्यूडी की हो जाती है। यही वजह है ओंकार जी कि पीडब्ल्यूडी को ये आदेश निकालना पड़ा है कि सारे फील्ड स्टाफ की और अफसरों की छुट्टियां बंद, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, सिर्फ अगर ऐसा होता है कि बहुत जरूरी है। क्या जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, दो दिन में बारिश ने हाथ खड़े करवा दिए और पीडब्ल्यूडी के सारे ही स्टाफ की, चाहे वो उसमें वर्कर्स हों, पीडब्ल्यूडी का फील्ड स्टाफ हो या ऑफिसर्स हों, इनकी सबकी सब छुट्टियां जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं तुरंत प्रभाव से। अगले आदेशों तक कोई भी व्यक्ति जो है घर नहीं रहेगा, सबको फील्ड में उतरना पड़ेगा। और इसके साथ जितनी भी मशीनरी है उसको बिल्कुल रेडी रखा गया है कि कहीं भी कोई हादसा होता है तो एकदम से वहां जो है राहत कार्य पहुंचाए जा सके, राहत पहुंचाई जा सके। इस चीज को ऐसे समझा जा सकता है ओंकार जी कि पहले आज से पहले तक इतनी ज्यादा मुस्तैदी की नहीं दिखती थी शुरू में, क्योंकि तब जरूरत ही नहीं लगती थी। लेकिन अगर इस बार मॉनसून के साथ ही ये सब कुछ हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि कुछ इनपुट्स ऐसी जरूर है कि ज्यादा बारिश होने की बात कही जा रही है। ओंकार जी ने ठीक कहा कि अब हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि बारिश के हालात को देखते हुए जरूरी हो तो घर से निकले, जहां नहीं है जरूरत वहां ना निकले। अच्छा ओंकार जी, एक और अगर मैं आपसे अंतिम प्रश्न इस सेगमेंट में पूछूं आपसे, हिमाचल में बहुत से ऐसे स्थान हैं, सड़कों की हम बात कर चुके हैं, लेकिन सड़कों पे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे अक्सर हादसे सामने आते हैं, लैंडस्लाइड बहुत ज़ोर से होती है, अतीत में वहाँ पे कई जाने भी जा चुकी हैं और आगे भी ये लगता है कि जब भी ज़रा सी बारिश होती है तो बहुत संभलने की ज़रूरत होती है। और ये ज़्यादातर ये क्षेत्र ऐसे हैं ओंकार जी कि ये नेशनल हाईवेज हैं, बहुत सारे एरियाज हैं, तो यहाँ पर बहुत प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत महसूस की जा रही है, खासकर टूरिस्ट। हम पहले भी कह चुके हैं कि टूरिस्ट इस मौसम में भी पहाड़ की ओर आते हैं, आना बुरा नहीं है, हिमाचल के लोग भी तो आते जाते हैं। दिक्कत वहाँ आ जाती है जहाँ पे कोई ट्रैकिंग पे निकल रहा है या कोई ऐसे सेंसिटिव एरिया से बिना जांच पड़ताल के प्रॉपर या उससे बिना जानकारी के निकलने के प्रयास करें तो फिर मुश्किलें सब ओर से बढ़ जाते हैं। ओंकार जी, ऐसे स्थान कौन से आपको दिखते हैं और क्या प्रिकॉशन जरूरी लगती है? बिल्कुल अनिल जी, हमारे जैसे जिला चंबा की कई ऐसी सड़कें हैं जो पहाड़ियों को काट के बनाई गई हैं, इसी तरह कुल्लू मनाली और मंडी की भी ऐसी कई सड़कें हैं जो कच्ची पहाड़ियों के बीचों कच्ची पहाड़ियों को काट के बनाई गई हैं। मैं आपको एक हादसा याद दिलाना चाहूंगा, ईश्वर करे वो हादसा दोबारा वैसा ना हो। तो मंडी का जो कोटरूपी का हादसा हुआ था, वो पूरी की पूरी जो पहाड़ी थी वो मतलब कच्ची पहाड़ी थी और वो पूरा एक पहाड़ ही जो है वो मिट्टी का एक ढेला या पहाड़ यूँ समझिए कि वो पूरे का पूरा जो है बह निकला था और कई दिनों तक इसका जो है वो प्रशासन को परेशानी झेलनी पड़ी थी और कई लोगों की इसमें जान भी। हाँ बस देखिए ओंकार जी, वो बस शायद मनाली ही जा रही थी चंबा की तरफ से आती हुई और एक और भी बस चपेट में आई थी, कुछ और व्हीकल भी चपेट में। जी जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, NDRF को जुटना पड़ा था वहाँ पे युद्ध स्तर पर, भगवान करे ऐसा ना हो। इसके अतिरिक्त ओंकार जी, इसी रूट पे अगर हम कहें मंडी, आप कांगड़ा मंडी रोड कह लीजिए, पठानकोट मंडी हाईवे कह लीजिए, गुम्मा, सबको पता है गुम्मा कैसी सेंसिटिव जगह है वहां पे, या फिर आप जब मंडी से आप चलते हैं मनाली की ओर तो एकदम जैसे आप पंडोह के पास पहुंचते हैं तो वो हनोगी माता मंदिर के आसपास का जो एरिया है, हालांकि वहां पे अब सुरंगें बन रही हैं और से आगे तो बिल्कुल बढ़िया हो गया ओंकार जी वो, लेकिन अभी भी थोड़ा सा वो सेंसिटिव बचा हुआ है वो जगह। ऐसी जगह ऐसे ही अपर के एरियाज में शिमला में कई जगह है, सोलन के कुछ एरियाज हैं और किन्नौर और बाकी एरिया तो आपको पता ही है कि वो हाई एल्टीट्यूड के एरियाज हैं, वहां पे तो मुश्किल हमेशा बनी रहती है। खासकर टूरिस्ट जो हमारा कार्यक्रम अगर देख रहे हैं या जो दर्शक हमारे देख रहे हैं जिनके जानने वाले लोग बाहर से आने वाले हैं, उन्हें प्लीज थोड़ा सा खबरदार जरूर कीजिए, मौसम की स्थितियां देखें और सड़क का उनको पता हो कि यहाँ पे सेंसिटिव है एरिया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है।
क्योंकि अदरवाइज हम पिछले साल का याद कर ही सकते हैं कि पिछले साल कितने हादसे हमें देखने पड़े थे, चाहे वो शूटिंग स्टोन्स हुए थे कि नॉर में जब पुल टूटा था उगार जी, आप ये देखिए पत्थर कितने कितने बड़े बड़े बोल्डर्स आए थे ऊपर से, या कई और हादसे, आप ये समझिए कि नॉर के पास जो हादसा हुआ था है ना, शिमला जिला में था वो, तो बहुत सारे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ जिम्मेदारियाँ हमारी भी बन जाती हैं, उस पर हम थोड़े अलर्ट रहें।